23 का ट्रेलर एमपी ने देखा एमपी तक पर। राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग को लेकर मध्य प्रदेश में सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में वोटिंग करने वाले विधायकों को बधाई दी है। वहीं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस के कई विधायकों की क्रॉस वोटिंग पर कमलनाथ पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि कमलनाथ से अपने विधायक नहीं संभल रहे, बार बार विधायकों की टूटन हो रही है, ऐसा कई बार हो चुका है, इसलिए कमलनाथ को प्रदेश अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। एक बार आजादी के इतिहास में कोई जनजाति की महिला राष्ट्रपति बन रही है, वोट करो। मेरी नहीं मानी तो विधायकों ने उनकी नहीं मानी। हालात इस तरह की हो गई है कि सर्वाधिक हमारे उत्तर भारत में नंबर वन पे आ गया हमारा मध्य प्रदेश, और कांग्रेस को क्रॉस वोट का सामना करना पड़ा। मैं तो मांग करता हूं कमलनाथ जी से कि जी चौथा हो गया पांचवा, अब तो कम से कम इस्तीफा दे दो। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति चुनाव के लिए 18 जुलाई को हुई वोटिंग में विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी। मध्य प्रदेश के 5 विधायक ठीक से वोट नहीं कर पाए और 5 विधायकों के वोट इनवैलिड हो गए, जबकि कई विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। एनडीए के राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को मध्य प्रदेश से 146 वोट मिले हैं, जबकि विपक्ष के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को 79 वोट मिले हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी के पास 130 विधायक हैं, जबकि कांग्रेस के 95 विधायक हैं, 3 निर्दलीय और 1 बीएसपी विधायक है। इस लिहाज से देखा जाए तो प्रदेश में करीब 12 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। इस लिहाज से द्रौपदी मुर्मू को यशवंत सिन्हा से ज्यादा वोट मिले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट एमपी तक।